नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम सिम्फनी लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि स्टॉक का प्राइस जो है उसका मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास आया है। लगभग 8 ईयर्स का सपोर्ट से अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एंड किस टाइप का चार्ट सेटअप देखने को मिल रहा है एंड क्या फंडामेंटल बन रहा है, डिटेल्स में अभी हम कवर करते हैं आज के वीडियो में। उससे पहले, अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज यूजुअल किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या एनालिसिस करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस स्टॉक का सेक्टर क्या है एंड इंडस्ट्री क्या है। अगर आप स्टॉक का सेक्टर देखेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का एंड इंडस्ट्री है डोमेस्टिक अप्लायंसेस का। देखिए, जो स्टॉक का मार्केट कैप है अराउंड 6290 करोड़ का एंड इस कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है 667 करोड़ का। डिविडेंड यील्ड 0.56%, इसका मीनिंग है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, जिसकी वजह से प्रॉफिट से कुछ डिविडेंड यहाँ पे इन्वेस्टर के साथ शेयर कर रहा है। करंट प्राइस चल रहा है 912 एंड इसका बुक वैल्यू है 99 का। प्रमोटर होल्डिंग 73.4% जो कि पॉजिटिव साइन है, एबव 50% मार्क है एंड इंडस्ट्री पी है 56 एंड स्टॉक का पी चल रहा है 54। इंडस्ट्री पी के नीचे स्टॉक का पी चल रहा है। अगर डेप टू इक्विटी देखेंगे 0.27 जो कि मैनेजेबल है, किसी भी स्टॉक का डेप टू इक्विटी बिलो 1 आप उसको मैनेजेबल मान सकते हैं। अगर आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे -5%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न -4% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न -3%। इसका मीनिंग है कि तीनों टाइम फ्रेम में स्टॉक का प्राइस अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड अभी तक 5 इयर्स का टाइम फ्रेम में रिटर्न उसका नेगेटिव है। उसके साथ प्राइस जो उसका मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। अगर सारा पैरामीटर देखेंगे, यहाँ पे एक बार आने वाले टाइम में आउट परफॉर्मेंस का साइन देखने को मिल रहा है, उसके साथ रेशियो चार्ट का भी सपोर्ट शो कर रहा है, जो कि आगे हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अब हम चलते हैं इसका क्वार्टरली सेल्स एंड नेट प्रॉफिट के ऊपर। देखिए, सेल्स एंड नेट प्रॉफिट यहाँ पे लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव है, उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। अगर अभी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग कर रहे हैं 73.4%, FI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं 3.81%, DI के पास माल है 10.44% एंड पब्लिक यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 12.34%। अगर पब्लिक कैटेगरी में बिग इन्वेस्टर देखेंगे तो बिग इन्वेस्टर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं 3%, तो टोटल माल है 12.3-3, तो यहाँ पे पब्लिक होल्ड कर रहे हैं 9.3%, जो कि पॉजिटिव साइन है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको पॉजिटिवली मान सकते हैं एंड इस स्टॉक में यहाँ पे तो रिटेल होल्ड कर रहे हैं ओनली 9.3%, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लो पब्लिक होल्डिंग, हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक का प्राइस में आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। देखिए, प्राइस जो है हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। अगर आगे आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस में EPS में ग्रोथ आने वाला होगा ना, उससे पहले ही प्राइस मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि स्टॉक का प्राइस में अभी सेटअप शो कर रहा है। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है सिम्फनी लिमिटेड का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। देखिए, आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड प्राइस देखिए यहाँ पे पिक बना था नियरली 2018 में एंड प्रीवियस पिक था 2015 में। 2015 के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो देखिए रेंज धीरे धीरे करके ना छोटा हो रहा है और यहाँ पे खुद को स्क्वीज हो रहा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करेगा, यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन प्राइस देखिए, उसका जो मल्टीयर का सपोर्ट है, जो नीचे वाला ब्लू लाइन था, वो 8 ईयर्स का सपोर्ट है, उसी लेवल से देखिए प्राइस अभी रिवर्स हो रहा है। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। तो देखिए, प्राइस के लिए जो ब्लू लाइन था मेजर सपोर्ट एंड उसी लेवल को टेस्ट करके देखिए प्राइस अभी कंटिन्यूशन मूव दे रहा है। अभी मैं चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली एंड वीकली दोनों में यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है। प्राइस देखिए इसी रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड इसी रेंज को देखिए फाइनली ब्रेक कर दिया है। ये जो ग्रीन लाइन जा रहा है, ये था मेजर रेजिस्टेंस, जिसको प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है एंड जो हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा बिलो 855। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 855 इस स्विंग लो को ब्रेक कर लेता है, उसी केस में ये चार्ट सेटअप यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, जो कि उसका प्रीवियस स्विंग लो है। ये प्रीवियस स्विंग लो 855 को ब्रेक प्राइस नहीं करना चाहिए। अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तभी जाकर ये इनवैलिड हो सकता है, नहीं तो जिस टाइप का अभी सेटअप शो कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी की आने वाले टाइम में
शॉर्ट टर्म में प्राइस टेस्ट करेगा 1120 यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है एंड इसको ब्रेक करने के बाद बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे हम एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं 855 एंड उसी हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज करना है। एंड हाई प्रोबेबिलिटी कि जिस टाइप का रेंज के अंदर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, जैसे ही प्राइस यहाँ पे इस अपर बाउंड्री को ब्रेक कर देगा उसके बाद लाइव हाई को टेस्ट कर सकता है। इस स्टॉक का प्राइस के लिए जो बड़ा टाइम फ्रेम का टारगेट बनेगा वो बनेगा लाइव हाई 2200। अभी के लिए इनिशियल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो स्मॉल क्वांटिटी अभी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे करके प्राइस ऊपर जाएगा उसके बाद क्वांटिटी ऐड हो सकता है, जिस टाइप का अभी प्राइस स्ट्रक्चर शो कर रहा है। उसके साथ अगर राशियो चार्ट देखेंगे, सिंफोनी इंडिया वर्सेस निफ्टी 500 का राशियो चार्ट भी उसका मॉल्टियर का सपोर्ट के आसपास आ गया है। देखिए प्रीवियसली ये जो जोन था ना, मेजर रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद ये जो जोन अभी के लिए एक्ट एज ए मल्टीयर का सपोर्ट एंड एग्जैक्टली उसी जोन के आसपास देखिए प्राइस अभी ट्रेडिंग कर रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी जोन से ही सिंफोनी इंडिया आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है, शायद वो थोड़ा नीचे अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, लेकिन इसी जोन के अंदर प्राइस का बॉटम बनने का प्रोबेबिलिटी है। इसी जोन का बीच में यहाँ पे प्राइस बॉटम फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा, रिस्क को मैनेज कीजिएगा। प्राइस मॉल्टियर का सपोर्ट के आसपास है एंड रिवर्सल का साइन देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में बड़ा मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी। इस स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं एंड करंट प्राइस के ऊपर भी कंसीडर कर सकते हैं फ्रेश अपॉर्चुनिटी का। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।